मारूफ ग्रुप ऑफ कंपनीज डैनी ने कराची एमए जिना रोड की प्राइम लोकेशन पर अपने नए प्रोजेक्ट डैनी क्राफ्ट टावर का इफ्तिताह कर दिया। लॉन्चिंग तकरीब कराची हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। अपने कारोबार के लिए मुतलाशी अफराद के लिए खुशखबरी, एमए जिना रोड के प्राइम लोकेशन पर मारूफ ग्रुप ऑफ कंपनी डैनी ने अपने नए प्रोजेक्ट डैनी क्राफ्ट टावर लॉन्च कर दिया। मुनक्किद तकरीब हेड ऑफिस कराची में मुनक्किद हुई। सीईओ डैनी दानिश अब्दुल रऊफ का कहना था कि टावर लॉन्च कर दिया। मुनक्किद तकरीब हेड ऑफिस कराची में मुनक्किद हुई। सीईओ डैनी दानिश अब्दुल रऊफ का कहना था कि मुल्की मस्जिद को मजीद मजबूत करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन का काम फरोग दिया है। जी, हमारा ये प्रोजेक्ट वैसे तो तीन साल मुद्दत का प्रोजेक्ट है, बट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हम बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि हम इंशाल्लाह इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे और पोजीशन देंगे। और हमारे आने से एक हमें ऐसा लगता है कि एक नई जनरेशन है, और अभी तक जो कंस्ट्रक्शन कराची में पाकिस्तान में होती रही है, जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन, हम उसको थोड़ा सा चेंज करने की तरफ है। नॉट जस्ट मी, बाकी जितने मेरे जैसे और नए इंडस्ट्री के अंदर लोग आए हैं, जाहिर है सेकेंड जनरेशन आई है, तो हम सब चाहते हैं, मिल के चाहते हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ बिजनेस कम्युनिटी, कि हम कराची और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक रीवैम्प करें। चेयरमैन प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना था कि 3 साल का प्रोजेक्ट मयारी होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है और मैं समझता हूँ कि जो इसकी लोकेशन है वो भी बहुत ही आइडियल है। एमए जिना रोड और अब्दुल्ला हारून रोड का कॉर्नर है, इटसेल्फ भी एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस है कराची का बिजनेस के हवाले से। डैनी क्राफ्ट टावर में शॉप महज 30 लाख रुपए जबकि महाना आकाशित 40,000 रुपए है। प्रोजेक्ट 3 साल में अपने पाए तक मिल को पहुंचेगा। कैमरामैन मोहम्मद हुनैन के साथ मलिक फैसल, K21 न्यूज कराची।